मैं बहुत दिनों से इस मूवी के बारे में बात करना चाहता था, जब से मैंने ये मूवी देखी है। और पिछले कुछ महीने से तो हमारे चैनल बंद था, उसके बहुत सारे रीजंस थे, पर हमने अभी फिर से स्टार्ट करने का सोचा है। सिनेमा पैराडिसो, तो फर्स्ट इम्प्रेशन से आपको क्या लगेगा इस फिल्म के नाम से? सिनेमा एक पैराडाइज होगा या जन्नत होगी, ऐसा कुछ दिखाया जाएगा। मतलब एक कैरेक्टर ऐसा होगा जो हर टाइम सिनेमा ही देखता है, उसकी लाइफ ही सिनेमा है। ऐसा ही लगा था मुझे भी जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया, तो फिल्म की शुरुआत में ऐसा ही था। लेकिन जब ये फिल्म ख़त्म होती है तो आप पहले का सब कुछ भूल चुके होते, मतलब याद रहता है ये फिल्म सिनेमा की एक भी बात नहीं बताती। मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये फिल्म सिनेमा के बारे में है ही नहीं है, ये फिल्म लाइफ के बारे में है। लाइफ को एक अलग परसेप्शन, या अलग नहीं कह सकते, जो ज़रूरी था परसेप्शन, जो कि हर का एक एंगल होना चाहिए लाइफ को देखने का, वो इसमें दिखाया गया है। अब ज़्यादा मैं बताऊंगा तो फिल्म का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा आपका, तो मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्टोरी की, बात करते हैं स्टोरी, मैंने आपको लगभग बता ही दी है। एक बच्चा है, इटालियन फिल्म है, तो एक बच्चा है जो थिएटर में जाना पसंद करता है छुप छुप के, और अकेला ही जाता है। वो माँ से डांट भी खाता है हर टाइम जब वो, हाँ, तो वो मूवी को एक एक्सपीरियंस की तरह एंजॉय करता है। जो जॉय वो उसके चेहरे पे दिखाई गई है सिनेमा को देखते हुए, जो सिनेमाटोग्राफी है उसकी तरफ उसका ध्यान था, और जो पीछे जो होता है ना पुराने थिएटर्स में, वो सब प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, और उधर एक काम करने वाला अल्फ्रेडो दिखाया गया है, उसको अल्फ्रेडो नाम है उसका वो, और उस बच्चे की केमिस्ट्री, भाई साहब एक नंबर केमिस्ट्री है। मैंने आज तक इतनी अच्छी किसी के भी मैंने इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखी ही नहीं है। और ज़्यादातर टाइम ये दोनों ही दिखाई देते हैं हमें स्क्रीन पर। तो दादाजी उस उधर काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्टर का, सब उनको वो लगाना वगैरह, वो बच्चा जिद पकड़ लेता है कि मुझे ये सीखना है, मुझे भी पिक्चर चलाना है थिएटर में, ये प्रोजेक्टर का काम मुझे सिखा दो। तो पहले दो बार तो मना करते हैं दादाजी, फिर उसे वो सिखा देते हैं, और बचपन से ही वो काम करने लगता है। लेकिन अब उत्सुकता आती है कि आगे क्या होगा इसके साथ, अभी आगे क्या हो सकता है, क्या दिखाएंगे आगे। आप सोचिए और फिल्म देखिए, मैं आगे का बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये फिल्म होती तो एक जॉय एंडिंग से शुरू, जॉय स्टार्टिंग से शुरू होती है, लेकिन जब ये ख़त्म होती तो मुझे नहीं लगता सबके आँखों में पानी होगा या नहीं, लेकिन मेरा तो था, क्योंकि ये इतनी इमोशनल एंडिंग पे टच करती है ना फिल्म, और मेरे लिए ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन चुका है, जो कि मैं कभी भूलने वाला नहीं, और आपके लिए भी ऐसा ही होगा, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी। और ये उन फिल्मों में से एक है जो एक फिल्म बन के नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस याद, हम कह सकते एक याद, अच्छी याद बन के रह जाती है हमारे साथ। और मुझे ये भी स्ट्रांगली लगता है कि मूवी एंड लाइफ की तरफ देखने का जो पर्सपेक्टिव है आपका, वो भी इससे हल्का सा या कुछ के लिए बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो बने रहिए इस थ्रिलिंग, तो नहीं कहूँगा मैं, एक एन्चांटिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो अभी वीडियो बंद कीजिए और जाके देखिए, मतलब काम मत छोड़ना, काम होने के बाद देख लेना, ऐसे कोई बात नहीं यार, मूवी मूवी बाद में आती है, पहला काम आता है। तो मिलता है दोस्तों।